अंदर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर वाला पार्ट, और यहां पर हमारा कान आ गया। ये चीज आगे की तरफ आ रही है और यहां से देखो ये चीज पीछे की तरफ जा रही है। अब आपने इस पर कोई अटायर चेंज करना है ना, तो आप इसको कॉपी कर लो। ये मैंने यहाँ पे चप्पल वाला एरिया बना दिया, इसको फ्लिप करके लगा दो। आप आपको बच्चा बनाना तो आप कंस्ट्रक्शन को चेंज कर दो, चौड़ा बनाना है, मोटा बनाना है, पतला बनाना है, तो आप इस तरीके से चीज। स्वागत है जी हमारे अगले वीडियो में। आप लोग जो वीडियोस को पसंद कर रही हो, जो जो कमेंट्स कर रही हो, तो भाई उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और अपने सजेशन वगैरह ना कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। चलो जी, आज का वीडियो हमारा ना बढ़िया होने वाला है। जो लोग कैरेक्टर को डिजाइन करना है भाई, जब आपको यूट्यूब की कोई स्टोरी बनानी है, अपने लिए स्टोरी बना रहे हो, तो आपके पास कोई ना कोई कैरेक्टर तो होना चाहिए ना, जिसके ऊपर आपने काम करना है कि भैया अब मेरे को ये वाला कैरेक्टर बनाना है। कोई बड़ा मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कैरेक्टर डिजाइन किया और उसको ट्रेस किस तरीके से करना है, एनिमेटर वो सारा का सारा मैंने बताया था। तो वो क्या, वो ना एक पर्टिकुलर विलेज टाइप का कैरेक्टर है, विलेज कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही एक बना सकते हो, आप पैंट शर्ट वाला कैरेक्टर बनाओ, बच्चा बनाए तो बच्चा कैसे बनेगा, चीजें बनेगी, तो वो सारे के सारे भेद भाई मैं आज खोलने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, तो खुशी से देखना, बिना स्किप करे देखना, ठीक है। तो चलो जी आज का वीडियो स्टार्ट करें। वेलकम टू आवर चैनल एनिमेटर विद वरुण। होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए। ये अब हमने अपना एक सॉफ्टवेयर खोल लिया जिसमें हमने जस्ट स्केचिंग करनी है, ठीक है ना। अपना आपको करके तो दिखाना पड़ेगा ना मुझे किस तरीके से क्या चीज है। देखो एक मैंने फ्रेश लेयर ले ली, ठीक है, यहां पर मैं एक सर्कल बना रहा हूं इस तरीके से ना, मैंने एक सर्कल बना दिया। इसको मैं एक टूल से भी बना सकता था कि सर्कल वाला टूल ले लिया उसके थ्रू बना दिया, बट मैंने ऐसे बना दिया ताकि एक थोड़ा सा मैं जल्दी भी बता सकूं और एक ऑर्गेनिक थोड़ा सा उसके अंदर लुक आए, बिल्कुल रोबोटिक टाइप का ना लगे, क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हो ये आइडिया के लिए कर रहे हो। फाइनल कैरेक्टर जो आपका एनिमेशन की क्लिप्स में होगा ना मूवी में, जो आप लोग एनिमेशन की स्टोरीज बनाओगे उसके अंदर ये वाला चीज नहीं यूज होगी, उसके अंदर तो हम क्लीन अप करेंगे ना इसका। तो अभी आपको फिलहाल ये बना रहे, ठीक है। अब देखो आपने यहां से ना एक सीधी लाइन ले ली, इसके पीछे से एक सीधी लाइन ले लो, ये इतना जो पार्ट है ना ये आपका ना फेस का पार्ट है, ठीक है, फेस, यहां पर आपका ना फेस बनेगा। जैसा भी बनाओ भाई, अच्छे से अच्छा बना लो, बुरे से बुरा बना लो, बट बनेगा इसके अंदर। मैं इसके अंदर ना आइस बना देता हूं, एक ये है, एक ये है, ठीक है, ये इसकी नाक है, ये हमारे इसकी मुंह आ गया, यहां पर ये हमारा इसका आईब्रोज आ गया। सिंपल रखना है, ठीक है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना। मैं एक बार वो प्रेशर सेंसिटिविटी देख लेता हूँ, लो चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ब्रश, ठीक है, इतना रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने रख लिया। यहां पर मैं इसके, अब मेरे को बाल बनाने, बालों के लिए क्या चीज होती है, ये जो है ना यहां से बीच में इसकी ना कंस्ट्रक्शन होती है इस तरीके की, ठीक है, जो आपके हेड वाला पोर्शन होता है। अरे यार पिछले वीडियो मैंने बैंड लगाया हुआ था, ये देखो आपको मेरे में दिख जाएगा, थोड़े से बाल यहां से कम हो रहे हैं ना, तो ये जो एक्चुअल आपको जो वो है ना वो दिख जाएगा कि यहां से देखो ये चीज आगे की तरफ आ रही है और यहां से देखो ये चीज पीछे की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाल कम हो रहे हैं तो इस वजह से ये चीज पीछे की तरफ, ये सभी में होती है, किसी में थोड़ी कम होती है हेयरलाइन, इसी को हेयरलाइन बोला जाता है, किसी कम होती है किसी की ज्यादा होती है। आप नोटिस करोगे जो लोग विग लगा लेते हैं ना उनके वो पूरी वो यहां से वो विग के तरीके से होती है, वो अलग से लगा हुआ पता चल जाता है, नेचुरल वाला अलग चीज होती है। तो वही जो चीज होती है ना वही आपकी बाल सारे खराब हो गए पता नहीं, ये चीज आपकी जो है ना बालों का हिस्सा जो हो गया वो सारा का सारा आपका इसके साथ चलता है। यहां पर मैं बाल बना लेता हूँ इस तरीके के कि भैया मेरे कैरेक्टर के इस तरीके के बाल है, थोड़े से ऐसे स्टाइल से उठे से हुए, ठीक है, ये मैंने लाके इस तरफ से खत्म, और वो हमारी ये साइड वाली पार्टिंग नहीं होती जैसे हम साइड वाली पार्टिंग रखते हैं, वो चीज हमारी यहां से निकल कर आएगी अंदर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर वाला पार्ट, और यहां पर हमारा कान आ गया। What's up guys? एक छोटी सी अपडेट है रिगार्डिंग माई लाइव क्लासेस, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपका 2D एनिमेशन किस तरीके से बनती है, स्टार्ट से लेके फिनिश तक, स्टोरी से लेके स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, देन हम आपका स्टोरी बोर्ड कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके कैरेक्टर्स किस तरीके से बन सकते हैं, आपके बैकग्राउंड किस तरीके से बनेंगे, म्यूजिक किस तरीके से लगाने, वॉइस ओवर कैसे लगाने, और लास्ट में आपका एक्सपोर्ट आउटपुट किस तरीके से निकालना है। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक कोर्स है जो कि 30+ सेशंस का है, जिसके अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। जो जो आप क्लासेस में बना रहे हो तो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर आउट हो जाते हैं। लिमिटेड टूल्स से आपका आउटपुट
आउटपुट कैसे पूरा का पूरा निकले, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से आप आउटपुट निकालना नहीं सीख जाओगे। तो मैं जो है वो आपको पूरा का पूरा आउटपुट निकलवाना सिखाऊंगा। एक ही मैं बैच लेता हूँ, मैं बीच बीच में बैच शुरू नहीं करता हूँ, एक ही बैच लेता हूँ जो कि मेरा लगभग 3 महीने तक का बैच चलता है। अभी फिलहाल मेरा करंट बैच चल रहा है, नेक्स्ट बैच के लिए मैंने आपको अभी से अपडेट करती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद शुरू करूंगा। कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड है क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए तो आप मेरे को जो नीचे मैंने मेल आईडी दे रखी है और इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, तो आप उन दोनों पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो बस ये मेरी तरह से छोटी सी अपडेट है, बाकी चलो कंटिन्यू करें अपने वीडियो को आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ये वाले बाल हमारे उसके पीछे से, सेम चीज आपकी यहाँ पर है, फ्लिप भी कर सकते हो, लेकिन अब फिलहाल हम बना देते हैं इस तरीके। अब देखो ये हमारे बाल भी बन गए, ये हमारा फेस बन गया। अच्छा, जो भी हमने सर्कल बनाया ना वो भी हमारी कंस्ट्रक्शन है, हमारा प्रॉपर फेस कट नहीं है। तो अब हम इसका फेस कट भाई चेंज करना चाहते हैं, तो ये लो हम इसका फेस कट यहां से चेंज कर लेते हैं। हमें बिल्कुल राउंड नहीं चाहिए था, हमने हल्का सा इसको ये वाली शेप दे दी। अब आपको इसके आगे बनाना है अगला पार्ट जो है ना, तो वो आपका इसी के साथ बनेगा। जो ये आप ये वाली सिंगल स्ट्रेट लाइन लेकर लेगा ना, इसी के साथ आप अगला ये सर्कल बनाओगे। इस तरीके से, और यहां से आप लाइन को लेकर जाते हो आगे, ठीक है। अब अगर आपको बच्चा बनाना है ना, कोई छोटा करेक्टर बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो जैसे आपने बच्चा बनाना है तो बच्चे के लिए क्या करोगे, आपने एक ये बनाया, एक सर्कल बना लिया स्टार्टिंग का, देन आपने इसको नीचे रखा, एंड देन आपने नीचे वाला जो ये गैप है ना, ये वाला गैप कम कर दिया। तो आप ये देखो कि ये वाली कंस्ट्रक्शन आपकी इस तरीके की बन गई, ठीक है। और ये वाली आपकी, जब आपने ये वाला गैप ज्यादा रखा हुआ तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि आप कोई बड़ा कैरेक्टर बना रहे हो, ठीक है ना। तो आपने इतना ये रख लिया, यहां से आपका बीच में से कट होता है, ठीक है, जिसको आप पेल्विस बोलते हो, पेल्विस एरिया होता है जो आपका कमर वाला हिस्सा होता है। एंड देन यहां से आप लेकर जाते हो जो आपका आपका लेग्स वाला पोर्शन होता है। पैर जोड़ के रखना चाहते हो तो इस तरीके से बना दोगे, ठीक है। पैर अगर आप ओपन रखना चाहते हो तो बीच में एक लाइन और बना दो, सो दैट आपको लगे कि अच्छा पैर आपके ओपन हो गए हैं। यहां से गए सीधा लेकर गए यहां पर ये इस तरीके से, और यहां से ये देखो यार मैं सीधी सीधी लाइनें बना रहा हूं, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज नहीं बना रहा कि जिससे लगेंगे भैया इसके लिए तो ड्रॉइंग ही आनी चाहिए या कुछ है, आपका खराब भी बनेगा ना, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनेगी। तो आजकल सॉफ्टवेयर वगैरह है, टूल्स हैं, आप टाइम लगा के उसको क्लीन अप करोगे ना, आपका करेक्टर सही निकल के आ जाएगा। अच्छा देखो इतना मेरा पोर्शन बन गया ना, यहां से मैंने इतना पार्ट अपने जूतों का बना लिया। ये सिंपल बेसिक लाइन के साथ रखो यार, ये देखो मैं एक लाइन, आप यहां से अब आप अपने शोल्डर निकालोगे, ये शोल्डर वाला एरिया हो गया ना, यहां से आपने टी शर्ट निकाल दी, ठीक है, इसके पीछे आपका ये नेक वाला पोर्शन आ गया, एंड देन शोल्डर वाला पोर्शन आप हल्का सा ये बाहर निकाल लो, एंड देन यहां से आप हाथ सीधे रखने सीधे रखो, हल्का सा बाहर निकाल के नीचे की तरफ लेकर आ गए, एक बेसिक शेप दे दी, ठीक है। इसी तरीके से आपने जैसा वो बनाया वैसे ही बना देते, फिर ये भी ये चीज आपकी निकल के आई, यहां से यहां यहां, देन आपने इसको एक हाथ में दिया, मुझे ये वाला ज्यादा सही लग रहा है ना, ये वाला थोड़ा सा ऐसा जैसे मजरू माई की तरह कंधा नहीं होता। तो अब देखो सपोज करो अब आपसे बनाते बनाते गड़बड़ हो गई कि यार मेरे को ये मजा नहीं आ रहा, या गड़बड़ हो गई या देख के बाद में मजा नहीं आ रहा या कुछ है, क्या गड़बड़ है, ये देखो इरेज कर दिया मैंने, मैटर सॉल्व है ना, कोई सबूत भी नहीं है इसका, मैं तो वीडियो में दिखा रहा हूँ मेरा तो सबूत है, लेकिन आप लोग तो कौन किसी को जज करेगा। तो इसलिए ना ये चीज मैं सोचा करूँ कि अच्छा सही नहीं बन रहा, कोई देखेगा क्या बोलेगा, ये वो है, अपने काम से मतलब रखो, अगर कुछ करना है तो क्या खुल गया, ये मैं लेकर आ गया, ठीक है, इसको मैं स्लिप करके यहां पर लगा दे रहा हूं। ये देखो अब ये आपका करेक्टर बन गया ना पूरा, मैं इसको और थोड़ा सा फाइनल कर दूं इसके ऊपर, एक फ्रेश ले लेता हूं इसको, थोड़ी सी आईज हमें इसकी किस तरीके की करनी है, होते हैं ना इस तरीके के करेक्टर्स भी, सिर्फ धोती वाले तो नहीं मिलेंगे ना हर जगह यार। अब आपने फेस कट इसका चेंज करना है ना, थोड़ा सा यहां से कर सकते हो, ये रखा, देन आपने ये ब्लॉक थोड़ा सा बना दिया,
एंड देन यहां से आप वापस चले गए। तो देखो पूरा इसका भाई का वाला मैं वही कहूंगा आईज में क्यों हो रहा है, दरसा वो क्यों होने लग जाता है। रेगुलर स्क्रीन का काम है, एंटी क्लियर नहीं लगाया था, आप भी एंटी क्लियर भाई लगा लेना ठीक है, कहीं से भी अपनी लोकल शॉप से बनवा लो आसपास से बोल देना। अरे कोई मेरे से पूछा था ब्लू कट बनवा सकते हैं कुछ है? भाई मेरा एंटी क्लियर है, मैं का ब्लू कट नहीं मैंने बनवाया था, तो आप ही मेरे को बता देना ठीक है। अब देखो आपके पास ना ये कैरेक्टर मिल गया यार आपको, अब आपने इस पर कोई अटायर चेंज करना है ना तो आप इसको कॉपी कर लो ठीक है। आपने इसकी कॉपी कर लिया, इसकी ओपेसिटी को डाउन करके, इसकी ओपेसिटी को डाउन कर लो। अब यार आपको इसके प्रोपोर्शन तो मिल गए कि आपको प्रोपोर्शन रखने कैसे हैं ठीक है ना। अब आप इसके साथ चेंजेस करने लग जाओ इसके, कि भैया मुझे कान ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे वाला कान चाहिए, बेसिक शेप मुझे आईज ऐसी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी वाली चाहिए। प्रोपोर्शन के बाद मुझे नोज ऐसी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी नोज चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मूछ वाला चाहिए ठीक है, मुझे बाल ऐसे नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से कर्ली चाहिए। मुझे फेस कट ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा कर्व में चाहिए ठीक है ना। अब आप देखो मुझे कॉलर चाहिए, मैं यहां पर बटन बना देता हूं, मुझे ये एज अ कुर्ता चाहिए, शर्ट नहीं चाहिए ठीक है, मेरे को ये पजामा चाहिए, मैंने थोड़ा सा खुला पजामा टाइप का बना दिया ठीक है। तो इसी तरीके मुझे ये हाफ स्लीव चाहिए, फुल स्लीव नहीं चाहिए, ये देखो मतलब ये हाफ स्लीव चाहिए इतने बेसिक, ये मेरा यहाँ पर स्किन कलर आ जाएगा है ना। ये चप्पल चाहिए तो चप्पल भी बना सकते हो, ये मैंने यहाँ पे चप्पल वाला एरिया बना दिया, अभी तो रफ बना दिया बट हाँ आपको आइडिया लग गया इस चीज का। देखो एक पे चप्पल है, एक पे पैर मैंने बना दिया, तो चलो इसको भी हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और ये वाले को कॉपी करके ले आता हूँ। इसको लिया, इसको यहाँ से लिया, ये दे दो, इसको लिया ना, इसको फ्लिप करके लगा दो, कंट्रोल डी मार के हटा दो। अब देखो अभी आपके पास दो कनेक्टर हो गए, ये अंदर वाला अच्छा इसका जो ये वो नहीं बनाई हमने, आईब्रोज नहीं बनाई, आईब्रोज भी बना लो इसकी, मेरे को ऐसी वाली चाहिए ठीक है, मैंने ये इसका बना दिया। और ये जो मैं अंदर वाला मैंने वो नहीं पकड़ा था जो कंस्ट्रक्शन ये रखी थी इसके पेज पर, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो कि हमारा सेम प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन इज सेम, ये देखो प्रोपोर्शन इज सेम, लेकिन हमारे दो कितने डिफरेंट और इंडिविजुअल करेक्टर बन गए हैं। तो ये वाली जो चीज है ना, इस तरीके के मेथड को आप इस्तेमाल करके ना अपने ना अलग अलग करेक्टर्स बना सकते हो। मेरे को बस कमेंट आ रहे थे कि भाई आप वो गांव वाला या धोती वाला या उसके अलावा भी आप कोई और बता दो या कुछ, तो मैंने उसके बेसिस से बता दिया भाई आप, आपको बच्चा बनाना तो आप कंस्ट्रक्शन को चेंज कर दो, चौड़ा बनाना है, मोटा बनाना है, पतला बनाना है, तो आप इस तरीके से चीज को अपना बना सकते हो भाई। तो बताना भाई ये भी अच्छा लगा नहीं लगा, वीडियो समझ में आया नहीं आया, इसके बेसिस पे जो प्रैक्टिस करते हो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी भाई वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो मतलब इस तरीके की वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।